सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहां पर सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो ये इसके लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है लाइफ लाइन से मर्ज होकर के। लाइफ लाइन से जब कनेक्टिविटी के साथ कोई भी फेट लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिन सारे कार्यों में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से शुभ परिणाम आपको मिलेगा और आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। लेकिन फेट लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि फेट लाइन का एंडिंग कैसा हो रहा है, क्योंकि फेट लाइन का एंडिंग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो दर्शाता है कि आप कोई भी काम किस प्रकार से अंत कर रहे हैं। आपके हथेली में फेट लाइन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है लेकिन फेट लाइन का एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न तक जब फेट लाइन नहीं पहुंच पाती है, ये आपका शनि का क्षेत्र है, और शनि के क्षेत्र तक जब भाग्य रेखा नहीं पहुंच पाती है तो इन सारे कार्यों में, किसी भी प्रकार के कार्य में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। सैटर्न यहाँ पर डेस्टिनी है, आपका लक है और फाइनल रिजल्ट है और सेटिस्फेक्शन है, और जब वहाँ पर फेट लाइन नहीं पहुँच पाती है तो ये चारों चीज़ें लाइफ में नहीं मिल पाता है। ना ही सेटिस्फेक्शन मिल पाता है किसी काम में, ना ही कोई काम का प्रॉपर एंडिंग हो पाता है, ना ही स्टेबिलिटी, सक्सेस या गोल अचीव भी हो पाने में दिक्कत परेशानी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में आपको सैटर्न रेमेडी करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, तब जाकर के प्रॉपर परफेक्शन के साथ सही समय पर आपका सारा काम भी बनेगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अदरवाइज आपका फेट लाइन ऐसा है कि कोई भी काम स्टार्ट करने में आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, इवन ऑन जितनी ज़्यादा लागत की भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली लोन भी इवन आपको मिल जाएगा। तो किसी भी काम के स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्स्टेकल, ट्रबल या रुकावट कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन आपका कोई भी काम प्रॉपर एंड नहीं हो पा रहा है जिसके कारण आपको किसी भी काम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चिंतित होने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, शनि के नाम मात्र उपाय से ही जीवन में लाभ बहुत निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा ग्रोथ अभी आपकी लाइफ में शो होने लग रहा है, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन वहीं जो सन है वहां पर हाफ फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल हो चुकी है। हाफ फिश सिंबल यानी थोड़ा सा भी बचा हुआ है, ये भी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका नाम जो है देश विदेश तक पहुंचाएगा और आपकी जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में भी या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जाने वाली रहेगी, जिसमें आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या या आपके बिजनेस में एक प्रकार से ग्रोथ होने के चांसेस के कारण ही एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो जाने वाले रहेंगे। अभी ये फिश सिंबल की आकृति आधी है, आप सैटर्न रेमेडी करिए, इसके बाद ये भी फुलफिल हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद किस बिजनेस में ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके हथेली में राइट हैंड में शुक्र अच्छा है, लेकिन वहीं लेफ्ट हैंड पर भी यहाँ पर गौर किया जाए तो आपके लेफ्ट हैंड में शुक्र के इस क्षेत्र पर तिल है, तो इस कारण से शुक्र से संबंधित व्यापार में लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र क्या है, शुक्र डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, इन सारे कार्यों में बिल्कुल भी सफलता आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो कार का भी यहाँ पर आपका व्यापार रहा या जो एजुकेशन का भी आप व्यापार करेंगे तो उसमें, और ख़ासकर जो भी ये डिजिटल वर्क के रिगार्डिंग जो भी प्रोफेशन है या जो भी बिजनेस है, उन सारे बिजनेस में थोड़ा डिफ़िकल्टीज रहेगा। लेकिन होम अप्लायंसेस, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग काम करेंगे, तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये जो भी काम होते हैं ये सब मंगल के अंतर्गत आते हैं और आपके हथेली में मंगल का सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। इसीलिए आपको जो घर संबंधित सारे जो व्यापार है उन सभी से लाभ निश्चित रूप से, या घर की जो सामग्री की रिगार्डिंग जो भी व्यापार है उन सबसे बहुत बेहतरीन लाभ भी मिलने वाला रहेगा। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी सैटर्न रेमेडी के बाद ही और फिश सिंबल के स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही जनरेट होने वाला रहेगा। एक जो योग है आपके हथेली में वो है मनी ट्रायंगल का इम्प्रॉपर वे से डेवलप्ड होना। ये आपका फेट लाइन जा रहा है, ये आपका मरकरी लाइन है, ये सारी की सारी मरकरी लाइन टूट करके रुक करके चल रही है, जो कि एक प्रकार से बिजनेस में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव को और चेंजेस को दर्शाता है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया है कि फेट लाइन प्योरली ओपन है,
तो इस कारण से जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और यही रीज़न है कि बिजनेस में भी लॉसेस आपको देखने को मिला। लेकिन अभी जैसे 40 की एज आपकी होने को आई है और जस्ट इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो आपका एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होने लग रहा है और ये जो उम्र है ये 42 से 46 के मिड में है। इट मीन्स कि 42 से आपका जो बिजनेस है, जो काम है, उसमें सफलता इतना अच्छा मिलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये एरिया होता है मंगल का और मंगल के एरिया में जब स्क्वायर बनता है तो ये व्यक्ति से भूमि निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी लेने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और प्योर स्क्वायर का साइन है तो डेफिनेटली 101% आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो इसीलिए आप अभी से सैटर्न रेमेडी स्टार्ट करिए। सैटर्न पर दिक्कत क्या आ रही है, सैटर्न पर आपकी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। जो यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन होती है ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, मल्टीटास्किंग नेचर अप्रोच होने के कारण ही ध्यान जो है बहुत ज़्यादा भटका हुआ रहता है, फोकस में कमी रहता है, भागो दौड़ी जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो सैटर्न पर ये जो लाइन से ये क्या करती है कि टेम्परेरी अर्निंग दे देती है लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, और ऊपर से फेट लाइन भी सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया तो किसी भी काम में डेस्टिनी तक या प्रॉपर फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इतना कोई बहुत बिग इशू या ट्रबल आपके हथेली में नहीं है, माइनर सा इशू दिखा है, उसको सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा सही बिल्कुल 101% किया जा सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी अभी आपका ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप यहाँ करने वाले रहेंगे। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रेफरेबल लगने वाला रहेगा। अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप ऑफ नेचर है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर आप रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के तकरीबन फर्स्ट फोर्थ तक पहुँच पा रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। यानी जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। रिस्क यानी खुद के दम पर अत्यधिक काम करना, सिक्योरिटी हो या ना हो, बहुत बड़ा रिस्क या लोन ले लेना और जेब में 5 रुपये हो लेकिन रिस्क लेने के बारे आ गई तो लाखों में ले जाना, तो ये हिम्मत को दर्शाता है, जुनून को दर्शाता है जो आपके अंदर पूरा भरा हुआ है। इसीलिए किसी प्रकार का कोई भी नया काम करने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ नेम रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करती है, जिस कारण से सोसाइटी में अच्छा स्टेटस अपना स्थापित कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर का झुकाव थोड़ा सैटर्न की तरफ जा रहा है, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर को दर्शाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो थर्ड फिंगर है वो है अपॉर्चुनिटी और जो सेकंड फिंगर है वो है आपका सर्विस, लक, और एक प्रकार से जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र के दौरान प्रोवाइड करा सकते हैं अपने मेहनत के द्वारा, उसको भी दर्शाता है। तो जब थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ चल जाता है तो खाली बैठना आप जैसे जातकों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, यही आपके बेसिक नेचर में रहेगा। खाली जहाँ थोड़ा बहुत भी बैठ गए ऐसा लगेगा कि जीवन पूरा हो गया। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो इस कारण से खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर ईगो एटीट्यूड टाइप ऑफ इशू नहीं है। और फिंगर के ऊपर यहाँ देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा भी है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, फिंगर के जो नोट्स है वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फैलेंजेस यहाँ आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगा। और थंब का साइज भी अपने आप में सशक्त मजबूत है, जिसके कारण ही थोड़ा जिद्दी स्वभाव को, अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। यव का चिन्ह है ओपन है, पैसा जीवन में आएगा, रुकेगा नहीं। सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन हालांकि अच्छा देता है और एक प्रकार से देखा जाए तो लॉजिकल पावर, तर्क शक्ति आपके अंदर अच्छा है। पाम का साइज
देखा जाए तो यहाँ पर आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है, ये स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा और अपने खुद के हार्ड वर्क मेहनत के बदौलत जीवन में निरंतर ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपके जस्ट जुपिटर से स्टार्ट करते हैं, तो जुपिटर की जो एक प्रकार से फ्लफीनेस है वो ज़्यादा है, फ्लफीनेस मतलब उभरा जो पन है वो अच्छा है। तो जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को हाई पोस्ट अथॉरिटी देता है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस, उच्च पद अधिकारियों से कनेक्शन होने के चांसेस, राजनीति में कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लग जाते हैं। और जो भी रेपुटेटिव पर्सनैलिटी है उन सभी लोगों से आपके संबंध भी अच्छे देखने को मिलेंगे जिनके पास पावर अथॉरिटी है। तो इसीलिए जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचे तख्ते पर बिठा देने वाला होता है और जीवन में तमाम तरह के मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देने वाला रहता है। इसके अलावा जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन आप देख पा रहे हैं ये सब के सब आपको एम्बिशियस नेचर देने वाला रहेगा, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ में जो है सेट करके रखते हैं और कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे जातक रिस्क पे रिस्क लेकर के फाइनली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होकर के ही दिखाते हैं। इस प्रकार के जब प्रोग्रेस लाइन हथेली में हो तो निरंतर लाइफ में ग्रोथ होने के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज बढ़ता रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो यहाँ एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हुआ पड़ा है। तो जुपिटर पर जब स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिस कारण से ऐसे जातक जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरते, मतलब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस या ट्रबल नहीं आता है और देखा जाए तो जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा का लाभ उठा पाने में सक्षम भी होते हैं और अच्छे एडवाइज़र गाइडर भी ऐसे जातकों को मिलते हैं। मैरिड लाइफ भी फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड करने वाला होता है और बच्चों के तरफ से भी सुख अच्छा प्रदान होता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिस कारण से आप जैसे जातक अनेकों प्रकार के धर्म कर्म के कार्यों में जो है विश्वास रखने वाले होते हैं। और ये जो ऑकल्ट साइंस होता है, ये जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति भी आपका रुझान ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव महसूस करेंगे आप। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है और पेट लवर, एनिमल लवर, सोशल वर्कर भी देखने को मिलता है। तो जुपिटर तो रिस्पॉन्ड फाइनली बहुत अच्छे यहाँ कर गया है, तो इस कारण से नॉलेज में कमी नहीं रहेगा। सैटर्न के ऊपर आपको काम करने की सख्त आवश्यकता है। यहाँ कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है भगवान की दया से, लेकिन यहाँ जो फेट लाइन का जो एक प्रकार से पॉजिटिवनेस होना चाहिए वो नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना है। सन लाइन के ऊपर देखा जाए तो आपका सन लाइन स्टेबल चल रहा है और एक हल्का सा क्रॉस का साइन है, यही रीज़न है कि कई मर्तबा बिजनेस में डिफेम देखने को मिला है या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और मनी लॉसेस हो गया है। लेकिन चिंतित होने वाली बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव एक साइन डेवलप्ड होना भी बाकी है और आगे चल करके सनलाइन स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। एक बहुत हल्का सा यहाँ पर बायफोर्क का भी आपका फॉर्मेशन डेवलप्ड हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन भी यशस्वी योग का निर्माण करता है। यशस्वी योग मतलब ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो सूर्य फाइनली रिस्पॉन्ड अच्छा करते हुए जा रहा है और अभी भी यहाँ पर स्क्वायर के साइन बनने कुछ बाकी हैं, ये सब भी रिसेंटली जस्ट सैटर्न रेमेडी के बाद बन जाएगा। सन लाइन माइंड लाइन के ऊपर से प्रारंभ हो और यहाँ एज अगर डिनोट किया जाए तो ये एज आपका निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 45 और 47 के अप्रोक्स में। इट मीन्स कि इस उम्र में 45 और 47 के एज तक आते आते लाइफ में पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी सफलता मिलने के योग इसी उम्र से प्रारंभ है। और मर्करी माउंट यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड है, एक से ज़्यादा रेखा जब यहाँ पर होती है तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, बहुत अच्छा हीलर भी बनाता है। आपका अंदर इस प्रकार की क्वालिटी ये दे देगा कि दूसरे लोग आपके पास आकर के बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आपके संगत में रहना, आपसे बातचीत करना, आपके कंपनी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। इसीलिए आपके नेचर में एक प्रकार का अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगा, जहाँ भी जाएंगे अपना बहुत अच्छा नाम स्थापित कर पाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों की जुबान पर अपना नाम चढ़ा पाएंगे। तो ये इंटेलिजेंसी भी अच्छी देता है, कम्युनिकेशन स्किल में भी माहिर बनाता है और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देने के कारण बिजनेस में ग्रोथ देने वाला भी रहता है। इसके अलावा हृदय रेखा के विषय में अगर बात की जाए तो बहुत इसमें छोटे छोटे से आइलैंड के फॉर्मेशन डेवलप्ड हो रखे हैं। ये आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर एवं मेजर इश्यूज़ होते रहते हैं। और ये खासकर हार्ट लाइन है, यानी आपके दिल से संबंधित बीमारियों को सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग अप डाउन, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ट्रबल, शुगर के रिगार्डिंग इश्यूज़ होने के चांसेस उम्र 44 और 45 के एज के बाद में ज़्यादा यहाँ शो हो रहा है। इसीलिए पहले से ही एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों में अपने आप को लिप्त रखें ताकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ सके, एक्सरसाइज बढ़ सके, पसीना निकले,
तो ये जो ट्रबल आने हैं ये तकरीबन ना आ सके। वैसे मर्करी लाइन जो है वो आपके हथेली में डेवलप्ड हो ही रहा है अभी, हालांकि ये इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा सही कर सके, लेकिन इन फ्यूचर और अगर ये अच्छा डेवलप्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है तब जाकर के स्वास्थ्य में सुधार होने के योग अच्छे बनेंगे। बाकी हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी जा रही है, तो थोड़ा गलत लोगों पे भी आपने अपने जीवन में भरोसा किया है, जिस कारण से आपके पैसों का कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। तो इसीलिए पैसों से संबंधित व्यवहार किसी से ज़्यादा ना रखें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम रखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा सीधे जुपिटर से कनेक्टेड हो रही है, यहाँ देख सकते हैं, तो ये एक प्रकार से इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दिल से ज़्यादा सोचना दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने के योगों को ज़्यादा दर्शाता है। आप जैसे जातकों के जीवन में इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए दूसरों से भावनात्मक लगाव बहुत जल्दी हो जाने वाला होता है। बहुत ही अच्छे ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है, ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व रहता है। धोखा छा करके भी ऐसे जातक किसी को नहीं दे पाते और ना ही किसी का 1 रुपये भी अपने पास रखते हैं, और बहुत साफ सुथरे दिल के देखने को मिलते हैं। जो भी रिश्तेदार आपसे कनेक्टेड होंगे बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे आपसे, क्योंकि आप दूसरों के लिए हद से ज़्यादा कर गुजर जाने वाले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें एक बहुत हल्की सी यहाँ पर आपके मंगल से एक रेखा प्रारंभ होते हुए सूर्य की तरफ जा रहा है। ये जो रेखा होती है मंगल वाली जो सूर्य की तरफ जाती है, ये एक ना एक बार बहुत तगड़ा लॉस देती है, और फिर उसके बाद व्यक्ति को जीवन में उन्नति देने वाला रहता है। तो हालांकि ये जो रेखा इसने सूर्य को इतना मजबूती से नहीं काटा हुआ है, तो बहुत मेजर लॉसेस होने से आपके जीवन में बच गया है, और थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन भी देता है लाइफ में, जो तकरीबन आपको उम्र यहाँ देखा जाए तो 37 और 38 के एज तक रहेगा। उसके बाद में जाकर के फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन लाइफ में धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी तकरीबन मान के चलिए कि 42 के एज से जैसे यहाँ पर आपका फेट लाइन स्ट्रांग होता जा रहा है, और 45 के एज से आपका सन लाइन स्ट्रांग हो रहा है, और ये जो मंगल की इस रेखा का इम्पैक्ट है ये उम्र तकरीबन यहाँ 40 तक आ रहा है, 37 से 40 के एज के बीच में, तो उसके जस्ट बाद में जो है लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगा, यानी 42 के एज से लाइफ में राइजिंग आपका बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। इसके अलावा देखा जाए माइंड लाइन के फॉर्मेशन में, तो यहाँ आप देखेंगे तो माइंड लाइन स्टार्टिंग से कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रेशराइज सिस्टम आप यहाँ देख पाएंगे बीच में, और फिर उसके बाद देखेंगे तो एक और प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर आपके उम्र, ये पहला प्रेशर तो दिख रहा है उम्र 29 से लेकर के 34 के मिड में, और दूसरा प्रेशर दिख रहा है उम्र 37 से लेकर के 40 के बीच में जो करंट सिनेरियो में चल रहा है। इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो आपका फिर माइंड लाइन एकदम स्टेबल हो गया है, और माइंड लाइन जब इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट और स्टेबल हो जाता है, इट मीन्स कि व्यक्ति के लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ गया है, स्टेबिलिटी आ गया है, अर्निंग अच्छा हो रहा है, मेंटल पीसनेस और हैप्पीनेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो योग है ये भी उम्र तकरीबन 42 का ही एज यहाँ पर डिनोट कर रहा है, और वैसे भी देखा जाए तो माइंड लाइन आपका बहुत एकदम स्टेबल और स्ट्रेट है, तो इस कारण से लाइफ में चाहे कैसा भी प्रेशर या ट्रबल क्यों ना आ गया हो या क्यों ना आ भी जाए, वैसे अब आने के तो चांसेस तकरीबन नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी ये दर्शाता है कि आपने हर मुसीबत को बहुत सरलता से जो है फेस किया है, ज़्यादा हाइपर उसको अपने ऊपर होने नहीं दिया है, या बहुत ओवर रिएक्ट आपने किया नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत कूल कामली आपने जो है डील किया है, इसलिए तमाम तरह के लॉसेज झेलने के बाद भी अब आने वाले जीवन में बहुत बेहतरीन ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में भी आपका बहुत बेहतरीन एक चेंजेस हुआ है ओवरलैपिंग। इस प्रकार का चेंजेस दर्शाता है कि ऐसे जातक अपने खुद के पराक्रम मेहनत के बदौलत अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर लग्जरीज रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपके ऑफशूट निकले हुए जो सेल्फ मेड लक को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत से लाइफ में सडन ग्रोथ प्रोग्रेस को दर्शा रही है, और ये भी उम्र देखेंगे तो 42 का एज डिनोट हो रहा है। तो ये जो एज होता है ये जब चारों तरफ से कन्फर्मेशन देने लग जाए एक परमानेंट एज को रिगार्डिंग, तब जाकर के ये निर्धारित कर देता है कि आपका जो भाग्योदय है इस उम्र से मिलेगा। इसीलिए ऐसे जातकों का रातों रात किस्मत भी चमक जाता है, जिनका चारों तरफ से मतलब हर सिनेरियो से एक परमानेंट एज निकल के जब आता है कि हाँ इस उम्र से एक कोई पर्टिकुलर इवेंट होने की संभावना है, तो इतना ट्रिमेंडस चेंज आता है जैसे रातों रात किसी को नेम फेम आज के टाइम में मिल जाता है, वैसा चेंज एकाएक लाइफ में आ जाता है। तो वो एकाएक चेंज जो है 42 के उम्र में आपको देखने को मिलेगा, और फिर आप देखिए कि आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है एकदम स्टेबल है, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, कहीं भी कोई
धुंधलापन या एक प्रकार से बिखरापन नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक प्योर वे में फिर आपकी लाइफलाइन एग्जिस्ट कर रही है, जो एक कंफर्टेबल लाइफ को सबसे पहले यहाँ दर्शा रहा है। इसको देखा जाए तो इंटरनल मार्स ठीक विकसित है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे होते हैं। जिसका मंगल का क्षेत्र अच्छा होता है वो हेल्पिंग नेचर का ज़्यादा होता है, तो आप दूसरों की मदद आगे रह करके करेंगे। शुक्र का जो स्थिति है वो भी अपने आप में पर्याप्त मात्रा में डेवलप ठीक है, स्वास्थ्य तो सुधारता है, हेल्थ अच्छा देता है। देखा जाए तो जीवन में लग्जरीज कार, अच्छा लग्जरी बंगलो, तमाम तरह की जो सुख सुविधा होती है उन सभी चीज़ों का लुत्फ उठाने के योगों को दर्शाता है। तो ऐसे देखा जाए तो शुक्र भी वेल प्लेस्ड एंड सेटल्ड है, तो किसी भी प्रकार के लग्जरीज व सुख सुविधा में आपके जीवन में कमी नहीं आएगा। बट यस, आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है जो कि अननेसेसरीज वरीज को, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर या फेलियर को देख करके भी आता है। तो जब शुक्र पर इस प्रकार की आड़ी रेखा हो तो इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लाइफ में नहीं होता, यानी आप जैसे जातकों के जीवन में सुख सुविधा तो बहुत रहेगा लेकिन उस सुख सुविधा का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते जब शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा हो। तो इतना प्रेशर अपने ऊपर कहीं ना कहीं मत आने दीजिए। और वैसे भी अभी 2 साल के अंदर में लाइफ में प्योर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ देखने को, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा ही, तो ऑटोमेटिकली शुक्र भी रिस्पॉन्ड आपका अच्छा करने ही वाला है। केतु के ऊपर देखा जाए तो एक स्क्वायर का साइन दिखेगा, केतु पर स्क्वायर का साइन धार्मिक व्यक्ति को बनाता है, और जब जब आप धार्मिक यात्रा करेंगे उसके जस्ट बाद में आपको पॉजिटिव न्यूज़ लाइफ में आएगा, इसीलिए धार्मिक यात्रा करते रहिए, बहुत शुभ परिणाम ये देता है। बायफोर्क का फॉर्मेशन फॉरेन ट्रैवलिंग मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है, मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा, मन का हर काम कर पाएंगे। बट यस, मनी ट्रायंगल अभी फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, तो मनी के रिगार्डिंग इतने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि मनी लाइफ में अच्छा आएगा या रुकेगा भी। सही, यहाँ पर आपका एक और क्वेरी था कि डॉटर है, सन होने के चांसेस क्या हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आइलैंड के फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वी सिंबल की आकृति यहाँ तो फिलहाल आपके हथेली में एक मुझे दिखा है, तो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। बट इसके लिए, इसके कंफर्मेशन के लिए जीवन साथी का भी हाथ का एनालिसिस करना होता है, तब जाकर के प्रोमिनेंट रिजल्ट निकलता है कि चाइल्ड कितने होंगे और कब होने के चांसेस बनेंगे। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन है, बट ये बहुत पहले ही रुक गई है और उसके कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट फेट लाइन निकला हुआ है, ये राहु के क्षेत्र से निकला हुआ है, इसलिए लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस मिलेगा, एकाएक भाग्य उदय आपका होने वाला रहेगा। और इस प्रकार की जब राहु रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे जातकों के लिए हर चीज़ बाउंड्री लेस होता है, क्योंकि राहु एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति को कभी भी संयमित नहीं रखता है, पूरा का पूरा फैला देता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसीलिए एक क्वेरी भी आपकी थी कि जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना है, तो ये बहुत बड़ा कुछ करना है इसी भाग्य रेखा के कारण आप सोच रहे हैं, और यही भाग्य रेखा आपको जीवन में बहुत बड़ा कुछ करके देगी। बहुत बड़ा कुछ करके यानी इस प्रकार का आप बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर पाएंगे जिसमें आपके हाथ के नीचे 100,000 लोग काम कर सके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।